पूर्णिमा के दिन से हुई। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति की परिचायक भाषा है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। इसी भाषा में भारतीय संस्कृति के सभी नियम, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार और जीवन को गति देने वाले सारे संदेश मिलते हैं। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के बाद हिंदी दिवस मनाने की प्रथा शुरू होते ही संस्कृत दिवस की मांग भी की जाने लगी और नतीजा काफी सकारात्मक रहा। लंबे अरसे के बाद सावन महीने की पूर्णिमा को यानी कि आज ही के दिन संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की गई। लेकिन भाषाई राजनीति के चालबाजों ने अंग्रेजी की महिमा गाकर संस्कृत की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए। सरल, सरस और समृद्ध संस्कृत को कठिन भाषा बताकर उसके अध्ययन को कर्मकांडी ब्राह्मणों तक सीमित कर दिया गया। शिक्षा के व्यवसायीकरण के बाद से भारत में जहां अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है, वहीं विदेशों में संस्कृत का झंडा बुलंद हो रहा है। देश विदेश में समय समय पर हुए तमाम शोधों ने भी स्पष्ट किया है कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है। रिसर्च के बाद सिद्ध हुआ है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा भी संस्कृत ही है। विश्व की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था नासा भी लंबे समय से संस्कृत को लेकर रिसर्च कर रही है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा कई विदेशी संस्कृत सीखने के लिए भारत भी आ रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 200 परिवारों का गांव मत्तूर वैदिक काल का गांव लगता है। यहां घरों की दीवारों पर संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं। सुबह शाम मत्तूर मंत्रोच्चार से गूंजता रहता है। यहां सभी लोग आपस में संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। मत्तूर में आज भी गुरुकुल परंपरा का पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां में झीरी गांव में मत्तूर की तरह ही संस्कृतिनिष्ठ गांव है। यहां आप अगर पहुंचेंगे तो संस्कृत में अभिवादन से ही आपका स्वागत होगा। खास बात यह है कि यहां इससे पहले संस्कृत का कोई माहौल नहीं था। यहां पहुंचने पर प्रतीत होता है कि ये कोई रामायण काल का गांव हो। सभी आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच भी गांव में संस्कृत का प्रचलन है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपे एक आलेख जो कि आज ही छपा है, उसके मुताबिक 2001 की जनगणना के हिसाब से हमारे जो आबादी है, करोड़ों की आबादी, उसमें उस देश में सिर्फ 14,000 लोगों की मातृभाषा ही जो है वो संस्कृत है। दरअसल संस्कृत विश्व की ज्ञात भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। लैटिन और ग्रीक सहित अन्य भाषाओं की तरह समय के साथ इसकी मौत नहीं हुई। भारत की दूसरी भाषाएं जैसे कि हिंदी, तेलुगु, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगला, उड़िया आदि का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है। हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बौद्ध और जैन संप्रदाय के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के नाम भी संस्कृत भाषा पर ही आधारित होते हैं। अब तो संस्कृत नाम रखने का एक फैशन भी चल पड़ा है। प्राचीन काल से अब तक भारत में यज्ञ और देव पूजा संस्कृत भाषा में होते हैं। यही कारण रहा है कि तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी संस्कृत को भारत से दूर नहीं किया जा सका। भले ही ये भाषा कुछ वक्त के लिए पूजा पाठ तक ही सिमट कर रह गई थी, लेकिन समय के साथ अब फिर इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। आज भी पूरे भारत में संस्कृत को सीखने और सिखाने से भारतीय एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए क्षेत्रीयता और वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर आगे आना होगा। सार्थक प्रयासों से संस्कृत को फिर से जन जन की भाषा बनाई जा सकती है। तो जैसा कि हमने बताया कि आज संस्कृत दिवस है और इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार जी हैं, ये हैं सचिव हैं दिल्ली संस्कृत अकादमी के। उनके बगल में बैठे हैं प्रोफेसर सर्वनारायण झा जो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में प्रोफेसर हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर कमल कांत मिश्रा जी, ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे वो ये कि हमने जैसा कि बताया अपने दर्शकों की संस्कृति की आज जो स्थिति है उसको लेकर हम तमाम तरह की बातें करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि संस्कृत दिवस मनाने की आज संस्कृत की जो स्थिति है और उसको लेकर हम संस्कृत दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्या इसके मायने हैं। पहला सवाल, संस्कृत दिवस हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। हमारी देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें हमारी प्राचीन महत्ता प्रतिपादित नहीं की गई है। चाहे वेद हों, उपनिषद हों, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, हम सब कहीं ना कहीं उससे परिचित हैं, हम जानते हैं। और दुनिया की जितनी भी कल्चर्स है, संस्कृतियां हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम संस्कृति वेदों की संस्कृति है। स्वयं यजुर्वेद का ऋषि कहता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा,
दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं वो सब मिट गई हैं, लेकिन वेद की संस्कृति, वैदिक संस्कृति कभी मिटी नहीं है और वो मिट भी नहीं सकती है। यावत चंद्र दिवा करो, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये संस्कृति हमारी मिट नहीं सकती है। संस्कृत दिवस हम मनाएं अथवा न मनाएं, लेकिन ये दिवस तो प्रतिदिन हर हिंदू, हर भारत का नागरिक मनाता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम संस्कृत के कोई श्लोक न बोलते हो, कोई गीता का पाठ न करते हो, कोई वेद का मंत्र न पढ़ते हो। तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कृत भाषा हमारे रग रग में बसी हुई है, इसीलिए हम संस्कृत दिवस तो अवश्य ही मनाते हैं। इसके सर नारायण जी, धर्मेंद्र जी ने कहा कि रग रग में बसी हुई है, आदिकाल की भाषा है, वैदिक भाषा है, फिर क्यों संस्कृत दिवस मनाने की ये जरूरत आन पड़ी है? अगर इतना ही रग रग में बसा हुआ हमारी ये भाषा है तो इस दिवस को एक दिन में ही हम सिमट कर क्यों रख देते हैं? यह प्रश्न थोड़ा अस्वाभाविक है जी। भारत स्वतंत्र हुआ जी, मेरी स्वतंत्रता है, फिर भी प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पालन करते हैं जी। और जो हमारा संकल्प है, जो हमारी स्वतंत्रता मिली है जी, इसके लिए जो हमने किया है और भारतवर्ष के लिए फिर से जो करने की आवश्यकता है, इसको एक बार स्मरण करते हैं, फिर से संकल्प लेते हैं कि वर्ष भर निरंतर अपनी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए काम करेंगे। वैसे ही संस्कृत दिवस के अवसर पर हम एक संकल्प लेते हैं कि संस्कृत की रक्षा, संस्कृत का संवर्धन, संस्कृत का परिपोषण हम सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि वह राष्ट्र जिसके संस्कृति की रक्षा नहीं होती है, वांग्मय समृद्ध नहीं होता है, उसका अधःपतन होता है। ऐसे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसकी संस्कृति और अपना वांग्मय न हो, और भारतीय संस्कृति को जानना बिना संस्कृत के संभव नहीं है जी। इसलिए हम सबों का संकल्प होता है और प्रतिवर्ष दिन में एक बार इस बात को हम पुनः पुनः संकल्प लेते हैं कि संस्कृत का संरक्षण भारतीय राष्ट्रीयता का संरक्षण है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण है, संस्कृत वांग्मय का संरक्षण है और भारतीय जीवन मूल्यों का संरक्षण है। यह संकल्प मात्र है। कमलकांत जी, आप अपनी पहली प्रतिक्रिया दें कि संस्कृत दिवस को मनाने की, आखिर जब हम कहते हैं कि ये वैदिक भाषा है, देव भाषा है, इस दैविक भाषा को, वैदिक भाषा को मनाने के पीछे की क्या वजह है कि हम इसको सिर्फ एक दिन हम मना के फिर भूल जाते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। संस्कृत दिवस श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और जैसा कि आपने कहा कि 1969 से जी इसका शुभारंभ हुआ है जी, और उस समय संसदीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष थे डॉक्टर कर्ण सिंह जी जी, उनकी प्रेरणा से ये भारत सरकार के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। श्रावणी पूर्णिमा के दिन इसलिए रखा गया कि ये हमारे प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस दिन हमारे ऋषि लोग अपने अपने वेदों का जी प्रारंभ करते थे अध्ययन अध्यापन, और शिष्य लोग गुरु में और शास्त्र में अपनी श्रद्धा समर्पित करके अपने सत्र का शुभारंभ करते थे जी। यह प्राचीन परंपरा है और आज भी चल रही है प्राचीन विद्यालयों में, और लोग चला रहे हैं, इसको उपाकर्म नाम से कहते हैं जी। और इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह दिन चुना गया जी। प्रश्न है कि संस्कृत दिवस एक दिन मनाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है, जैसे हिंदी दिवस मनाते हैं, दूसरे दिवस मनाते हैं, कि इसका और अधिक प्रचार प्रसार हो। जैसा कि पंडित जी ने कहा, सर्वनारायण झा जी ने, कि हम संकल्प लेते हैं इस दिन कि हम इसका और अधिक प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और इसके प्रति समर्पित होकर काम करेंगे जी। तो इसलिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चलिए तो ठीक है बात, लेकिन धर्मेंद्र जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप सचिव हैं दिल्ली संस्कृत अकादमी के। जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर रहा था, मैंने तमाम लोगों से बातचीत की जी, जी। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल कहा कि असीम, अगर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ या अगर मैं अपने बच्चों को कहता हूँ संस्कृत पढ़ने के लिए जी, तो मैं उनसे क्यों कहूँ कि वो संस्कृत पढ़े? क्योंकि अगर बच्चा कहता है कि भाई इसमें मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके पैसे का अर्जन जो पैसों का उपार्जन जो है, वो अगर किसी भाषा को आप नहीं जोड़ पाते हैं उससे जी। और जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज के तारीख में वो भी है कि अगर हम अंग्रेजी को कहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़िए क्योंकि इसमें आपको नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, हम उसी तरह से संस्कृत को नहीं कह सकते हैं जी। तो हम क्यों कहें कि आप संस्कृत पढ़ें
संस्कृत को जाने, संस्कृत को समझे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरी दृष्टि में यह है कि संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चले। रोजगार तो संस्कृत में है, ऐसा नहीं है। कोई भी संस्कृत का बच्चा आपको भूखा नहीं मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं रोजगार, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा, कॉलेज में पढ़ा। मुख्य धारा की जो स्थिति है, मुख्य धारा की जो भारत की जो स्थिति है, उसमें संस्कृत को रोजगार से जोड़ने की बात इस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, रोजगार के साथ तो हम इसको जोड़ सकते हैं, आधुनिक विषयों के साथ हम संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना कैसे जोड़ सकते हैं ये बताएं। जैसे योग के माध्यम से हम संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से आज देख रहे हैं, आप पूरे विश्व में योग के माध्यम से लोग संस्कृत सीख रहे हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, एक ये भी दिशा है। दूसरा, हम आयुर्वेद के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, आयुर्वेद को सीख करके और हम अपना इलाज कर सकते हैं, दुनिया के लोगों का कर सकते हैं। तो रोजगार की समस्या नहीं है, रोजगार चलिए ठीक है, अंग्रेजी के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन संस्कृत से जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि वह मनुष्य को मनुष्य बनाती है। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी निचोड़ की बात यही कही कि शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, शिक्षा जो है मानव का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। इसलिए ऋग्वेद में कहा है मनुर्भव, तुम इंसान बनो, मानव बनो, मनुष्य बनो। तो मानवता को कैसे हम बना सकते हैं, हमें अच्छे संस्कार हम बच्चों को दे सकते हैं, और यही हमारे सबसे बड़ा हमारे शिक्षा शास्त्रियों का उद्देश्य है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए। और मनुष्यता का जो आधार है वो संस्कृत है, संस्कृति है, उसके अंदर छोटे छोटे वाक्य से भी आप कितना बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, बच्चों को ही नहीं जन सामान्य को हम प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जाजी, जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि ये संस्कृत की भाषा है, इसमें वेद पुराण की भाषा है, हमारे कर्म कांडों की भाषा रही है, हमारे संस्कारों की भाषा रही है संस्कृत, लेकिन इस भौतिकवादी युग में जब सारी चीजें अर्थ पे ही आके टिक जाए, इस युग में, भौतिकवादी युग में, हम संस्कृत को लेकर कितना आगे बढ़ सकते हैं? देखें, संस्कृत के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं जी, ये संस्कृत के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और विद्वान बनते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है, रोजगार की उतनी बड़ी समस्या है नहीं तो आपको भी लगता है कि संस्कृत भाषा को मार्केटिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत, इन दैट सेंस मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मार्केटिंग की इसलिए ज़रूरत है, आज आप दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं टेक्नोलॉजी के जी, जो टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, या भारत में जो टेक्निकल बहुत प्रतिष्ठित संस्थान हैं जी, उनमें संस्कृत को आधार बनाकर जी, फॉर एग्जाम्पल IIIT हैदराबाद, IIIT हैदराबाद में लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सेंटर है। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में पढ़ाया क्या जाता है कि हमारा जो अष्टाध्यायी का सिस्टम है, पाणिनीय व्याकरण का सिस्टम है, भारतीय न्यायशास्त्र का सिस्टम है, ये विषय पढ़ाए जाते हैं। उन विषयों के माध्यम से एल्गोरिथम, जो कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग के लिए एल्गोरिथम लिखने की बात होती है, उस रास्ते से वे एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। जो मशीन ट्रांसलेशन का कार्य हो रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम हो रहा है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से मशीन ट्रांसलेशन जिसे कह रहे हैं, ये सारे कार्य संस्कृत क्षेत्र के हैं, संस्कृतज्ञों का कार्य है। लेकिन ये हो तो नहीं रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा कम पैमाने पर, नहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आपने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, मैं उदाहरण बताया आपने, आपको मैंने, जितनी भी IITs है, सभी IITs में जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, वे सारे लोग मशीन ट्रांसलेशन पर कार्य कर रहे हैं, और उसकी भाषा संस्कृत है। और नहीं, उसमें जो सिस्टम उन्होंने अपनाया है वह सिस्टम पाणिनि अष्टाध्यायी का है। मार्केटिंग की बात मैंने इसलिए कही कि हमारे जो संस्कृत के छात्र हैं, हमारे जो संस्कृत के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आज चाहिए कि वे जो काम IIIT हैदराबाद कर रहा है, जो काम IIT कानपुर कर रहा है, जो काम IIT दिल्ली में हो रहा है, संस्कृत को लेकर के उस तरह का सिलेबस तैयार करे, और अपने जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उस विधा से उसको ट्रेंड करे, अपनी जो पुरातन, अपना जो पुराना शास्त्र है, उस शास्त्र को आज की टेक्नोलॉजी पर सवार होकर के प्रचार करे। इससे यह होगा कि लोगों का अटेंशन होगा। आज क्या हो रहा है, आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि JNU में कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने प्रारंभ से संस्कृत की पढ़ाई की, MA करने के बाद कंप्यूटर साइंस में PhD की, और ये भारत में हो या ना हो, लेकिन दुनिया के विभिन्न देशों में हो रहा है।
कि संस्कृत पढ़ करके एमएस कंप्यूटर साइंस किया है, फिर से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है और मशीन ट्रांसलेशन का कार्य कर रहे हैं। जितने भी प्रोफेसर राजीव संगल हों या विनीत चैतन्य जी हों या के वी रामकृष्णाचार्य जी हों, जो भी कोई लोग हैं, ये सारे लोग संस्कृत वेस्ट लोग हैं। संस्कृत को आधार बना करके संस्कृत की मार्केटिंग एक्चुअली जो संस्कृत वालों को करनी चाहिए थी उसके बजाय टेक्नोलॉजी वाले कर रहे हैं, और इसका जो बेनिफिट है ये भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि वास्तव में जो संस्कृत की मार्केटिंग करके संस्कृत को लोगों को लाभान्वित होना चाहिए था, वो सारा का सारा लाभ है टेक्नोलॉजी क्षेत्र के जो लोग हैं वे ले रहे हैं। मिश्रा जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाह रहे थे, वो ये कि आप चूंकि पूर्व निदेशक रह चुके राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के, जो बात धर्मेंद्र जी ने कहा और जो बात झा जी ने कहा कि मार्केटिंग जिस हिसाब से की जानी चाहिए थी वो नहीं की जा रही संस्कृत की, मैं आपसे एक सिंपल सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप जब कह रहे हैं कि दैवीय भाषा है, कंप्यूटर साइंस की भाषा है, नासा इस पर रिसर्च कर रही है, इतने बड़े पैमाने पर जब इस भाषा का विस्तार है, इस भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी क्या हमें किसी टूल की जरूरत पड़ेगी या पड़ रही है, कि हमें किसी मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है? सर्वप्रथम तो मैं यह स्पष्ट करूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि संस्कृत में जीविका के अवसर कम हैं। जी, मेरी अपनी मान्यता यह है, मानना है कि सभी विषयों के से अधिक इसमें नौकरी की गुंजाइश है। जी, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, और बढ़िया बढ़िया नौकरी की गुंजाइश है। जी, जैसे सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है हमारे यहाँ आईएएस की। जी, तो आईएएस उत्तीर्ण करने के लिए अधिक अंक चाहिए, और संस्कृत लेकर जो छात्र उसमें अपियर होते हैं वो अधिक अंक लेकर बहुत सफल होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने संस्कृत लेकर आईएएस, लेकिन आंकड़े तो मिश्रा जी कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अंक करीब विद्या है और उसमें लेके उत्तीर्ण होते हैं। जो इंग्लिश माध्यम वाले छात्र हैं वो अलग विषय है, लेकिन इंग्लिश और माध्यम वाले छात्र ज्यादा उनकी जो नहीं तो संस्कृत वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत वाले अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन संस्कृत की अपनी विशेषता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक लेक्चररशिप का प्रश्न है, जी, तो आपको ऐसा कोई विषय नहीं मिलेगा, कोई भाषा नहीं मिलेगी, अंग्रेजी भी नहीं मिलेगी, जिसके नाम पर इतने यूनिवर्सिटी हो। इस समय देश में 13 संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, 12 देश में है, और एक नेपाल में काठमांडू में है त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालय, और 3 है डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसमें एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, एक लाल बहादुर विद्यापीठ और एक तिरुपति का, तो कुल मिलाकर 16 हुए। ये 16 यूनिवर्सिटी जो है इनमें संस्कृत के छात्र ही नौकरी पाएंगे जी, और इतना किसी भी दूसरी भाषा में, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, साइंस हो, किसी में भी। चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि रोजगार इसमें अच्छी है, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए संस्कृत, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज के तारीख में धर्मेंद्र जी, अगर हम आज हम लोग इस विषय पे एकत्रित हुए हैं, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, जो भी दशा है आज, जो भी स्थिति है इस इतने बड़े दैविक और वैदिक भाषा की, उसके लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार दोनों ही लोग, कुछ समाज की तरफ से भी उपेक्षा हो रही है, कुछ हमारी सरकार की तरफ से भी उपेक्षा है। जितने मात्रा में काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें संस्कृत डिपार्टमेंट होना चाहिए जगह जगह, क्योंकि राज्याश्रय भाषा को होना बहुत जरूरी है, तभी जो है कुछ नौकरियाँ भी मिल सकती हैं, छात्रों में उत्साह भी होगा। राज्याश्रय कहने का मतलब, राज्याश्रय मतलब सरकार की तरफ से भी कुछ प्रोत्साहन मिलना सरकार चाहिए, की नीति होनी चाहिए, सरकार की कुछ ऐसी नीति बननी वो चाहिए, नहीं रही है अभी तक। वो अभी तक ऐसी बनी नहीं है। मैं तो कहता हूँ संस्कृत का ऐसा कुछ आयोग बने पूरे देश के लिए, जहाँ हमारे बहुत सारी संस्कृत की पाठशालाएं हैं, हमारे बहुत सारे संस्कृत की परंपरा से जो विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, पाठशालाएं हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेकर के और संस्कृत की सेवा कर रहे हैं, वेद की सेवा कर रहे हैं, आज ऐसे ऐसे भी वैदिक विद्वान हैं जिन्होंने चारों वेद कंठाग्र किए हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा भी हमें करना है। और ये सब तरह से समाज की तरफ से भी हमें उत्साह होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी उत्साह मिलना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, बच्चे इसको खूब पढ़ें और बच्चों को सिखाया जाए कि क्यों संस्कृत पढ़ना चाहिए। माता पिता भी इसके लिए प्रेरित करें, विदेशी भाषा तो जरूर सीखें, लेकिन विदेशी भाषाओं के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ को, अपनी मूल जो भाषा है उसको कभी ना भूलें। चलिए झा जी, चूंकि समय हमारे पास कम है, इन्होंने कहा कि समाज को भी आगे आना होगा, सरकार को भी आगे आना होगा, मीडिया की किस तरह की जिम्मेदारी देखते हैं, मीडिया को क्या रोल अदा करना पड़ेगा? मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि आज आप देखेंगे कि मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ
इस चैनल को जी, जहां से संस्कृत का कार्यक्रम प्रसारित होता है, संस्कृत में समाचार प्रसारित होते हैं जी। आपको मालूम होगा कि देश में इतने सारे चैनल्स हैं जी, किसी की कोई पहल नहीं है इधर जी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये तो मीडिया की बात मैं कह रहा हूँ। मीडिया को चाहिए कि जन जन तक इस बात को पहुँचाए जी कि संस्कृत में अभी भी रोजगार की कमी नहीं है जी। जिस डेडिकेशन से जी अंग्रेजी और साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं, जिस डेडिकेशन से साइंस और टेक्नोलॉजी लोग पढ़ते हैं जी, उस डेडिकेशन से पढ़ने वाले जो लोग संस्कृत में हैं वो साइंटिस्ट से ज्यादा ऊपर हैं जी। और उनको और तवज्जो देनी चाहिए और उनको प्रसार देना चाहिए, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। समय कम है, मिश्रा जी ये बताएं कि जिस तरह से क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि संस्कृत जो कहीं ना कहीं वो भाषाई राजनीति का शिकार हो चुका है, इस वजह से उतना जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है? हाँ, तो जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने बताया कि सरकार की नीति में संस्कृत को सही स्थान नहीं मिला है। जैसे स्कूल में अगर संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी जी, तो कॉलेजों में और दूसरी जगह पढ़ाई अपने आप कम हो जाएगी जी। तो स्कूल में जो नीति रही है त्रिभाषा सूत्र, उसमें संस्कृत को पढ़ाना चाहिए जी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, आदेश में कहा है 4 अक्टूबर 1994। लेकिन फिर भी अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया, उस पर अमल नहीं हुआ। आखिरी टिप्पणी अरमेन जी आपसे, और आपसे मैं जानना चाहूंगा संस्कृत के संपूर्ण विकास के लिए 10 सेकंड में क्या कुछ करना चाहिए हर लेवल पे, 10-10 सेकंड में आप तीनों बताएं। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हम सबको उत्साह होना चाहिए जी, समाज को भी और सरकार को भी, और कैसे हम इस भाषा को और बढ़ा सकते हैं इस विषय में हमें चिंतन करना चाहिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला रोल है इसमें भारत सरकार का कि भारत सरकार अपनी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 12वीं कक्षा तक संस्कृत को अनिवार्य करें जी। तत्काल संख्या दुगुनी हो जाएगी पढ़ने वालों की जी। और वे छात्र जब आगे बढ़कर आएंगे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से अच्छे स्कॉलर बनेंगे। इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए, खास करके जो विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम है जिसमें ये, इसमें संस्कृत में अपार वैज्ञानिक समृद्धि है, वैज्ञानिक ज्ञान की कमी नहीं है इसमें। गणित शास्त्र है, आयुर्वेद है, स्थापत्य है, पशु चिकित्सा है, कृषि विज्ञान है, बहुत तरह के हैं, और उन सबको समावेश करके इसको सामने लाना चाहिए। अन्यथा एक भ्रम जाता है कि संस्कृत केवल कर्मकांड और पूजा पाठ और अध्यात्म तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृत में दोनों प्रकार के ज्ञान प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं, और ये आज से नहीं प्राचीन काल से भरे हुए हैं। इसलिए हमारे उपनिषदकारों ने ये कहा है कि विद्या और अविद्या, अविद्या का अर्थ है लौकिक विद्या और विद्या, दोनों ही चाहे जब तक शिक्षा में समन्वित नहीं होगा तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। तो संस्कृत के संपूर्ण विकास के लिए, जैसा कि हमारे तमाम जो यहाँ पे उपस्थित मेहमानों ने कहा कि इसके संपूर्ण विकास के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि समाज के स्तर पर भी और तमाम स्तरों पर इसके संपूर्ण विकास के लिए काम करना होगा, तभी हम आप रक्षाबंधन ये तो हम सभी मना रहे हैं, लेकिन एक रक्षा का बंधन संस्कृत के प्रति भी बांधना होगा कि उसका जो एक विकास है, जो बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अनुरूप उसका भी हो, और इस दिशा में भी सरकार को, समाज को, मीडिया को, सबको साथ लेकर चलना होगा और सबको इसके बारे में सोचना होगा। तो इस तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और तमाम आप सभी का भी शुक्रिया आने के लिए स्टूडियो में।